हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 25th जैन सिफ 2 का। अ बॉडी ऑफ मास एम, एक मिनट रुकिए, अ बॉडी ऑफ मास इज टेकन, मास कुछ होगा, एम दिया हुआ बोला नहीं है बट कुछ होगा, इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट एच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, है ना, हाइट एच इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब एच इज इक्वल टू 2 आर हाइट पर लेके गया है किसी मास को, ठीक है। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अब पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में कितना यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब देखिए मास यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट मेरे ख्याल से मास यहाँ पे बच्चों एम होगा क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो एम एम मास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्मॉल एम मास यहाँ पे पार्टिकल का, बॉडी का है, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो यहाँ पर, तो मास यहाँ पर है तभी जाकर ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, अदरवाइज क्यों दिए रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे, मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ कि अगर अर्थ के सरफेस पे कोई पार्टिकल होगा, ठीक है, अर्थ का रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है, तो जी एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर ये लिखते हैं। बट अगर अर्थ के सरफेस पे हम पोटेंशियल देखें जिसको इनिशियल बोलूंगा, तो अर्थ के सरफेस पे तो क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है जी एम एम बाय आर, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, आपको क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर ये माइनस साइन हमेशा आएगा एनर्जी के साथ, ठीक, ये तो हो गया। अब बोला है कि अब इसी बॉडी को जो आपको यहां पर सरफेस पे दिख रहा है एम, बोला गया इस बॉडी को अर्थ के रेडियस के डबल हाइट पे लेके जाइए, ऐसा बोला गया कि अर्थ के रेडियस के डबल हाइट पर आप लेके जाइए यहां पर, ओके। तो आप जब डबल हाइट पर लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो सेंटर से देखना होता है, तो टोटल जो सेंटर से हम डिस्टेंस देखेंगे यहां से यहां तक, तो ये 2 आर सरफेस से और ये सरफेस से सेंटर तक आर, तो कितना हो जाएगा 3 आर, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस जी एम एम बाई 3 आर, ठीक है। तो अब यहां जो पूछा गया आपसे इंफॉर्मेशन, वो क्या पूछा गया कि चेंज इन, है ना, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये पूछा गया, तो हम लोग इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखेंगे यहाँ पर, चेंज निकाल देंगे डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना, फाइनल है माइनस जी एम एम बाई 3 आर और इधर में इनिशियल माइनस जी एम एम बाई आर, ओके। तो यहां से हम लोग कॉमन कर लें, कॉमन क्या कर सकते हैं देखिए, तो कॉमन कर सकता हूं मैं जी एम एम, जहां पर कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, स्मॉल एम मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर -1/3 रिमेनिंग और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 लिख देंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मालूम होगा, जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई आर इंटू -1 + 3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये देखिए 3 और ये सब्ट्रैक्ट होके 2, तो 2 है ना। तो अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो हो गया 2/3 जी एम एम बाय आर, यहाँ पे आर मिसिंग है आर, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बट ऑप्शन में ना कैपिटल जी के टर्म में कहीं पे कुछ नहीं दिया हुआ है, स्मॉल जी के टर्म में दिया हुआ है, तो मैंने स्मॉल जी निकाल दिया ना यहाँ पर कि कैपिटल जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 2/3 इंटू जी आर स्क्वायर इंटू एम बाय आर, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 2/3 और एक आर से आर कैंसिल, ठीक है, तो एक एम रहेगा, एक जी रहेगा, आर रहेगा, तो एम जी आर, तो 2/3 2/3
MGR, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 2/3 MGR, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।